तो दोस्तों, आप देख रहे हैं प्राउड मोमेंट्स और मेरा नाम है गौरव और आज हम इस समय हैं पांडव टीला हस्तिनापुर में और आप मेरे पीछे ये बोर्ड देख रहे हैं। ये रास्ता जाता है पौराणिक सिद्धपीठ जयंती माता और पांडवेश्वर महादेव मंदिर की ओर और आप मेरे पीछे जो दीवार देख रहे हैं ये कई किलोमीटर लंबी दीवार है और ये दीवार उसी पांडव टीले की है। तो आइए आगे चलकर देखते हैं पौराणिक जयंती माता एवं पांडवेश्वर महादेव मंदिर को। इधर लेफ्ट साइड पर आप देख रहे हैं जैन धर्म का प्रसिद्ध 151 फीट ऊंचा श्री अष्टापद मंदिर और राइट साइड पर आप देख रहे हैं ऐतिहासिक पांडव टीला। लीजिए अब हम आ गए हैं पांडवेश्वर महादेव मंदिर के प्रवेश द्वार पर। तो फ्रेंड्स, यही वह महाभारत कालीन पांडवेश्वर महादेव मंदिर है जिसमें स्थापित शिवलिंग लगभग 5000 वर्ष प्राचीन है जिसकी स्थापना धर्मराज युधिष्ठिर ने की थी। आइए चलकर दर्शन करते हैं उस ऐतिहासिक शिवलिंग के। फ्रेंड्स, इस समय है हम पांडवेश्वर महादेव मंदिर में और मंदिर के जो सेवादार हैं उनसे आइए जानकारी लेते हैं इस विशाल वट वृक्ष के बारे में। तो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सबसे पहले तो अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम है पंडित आशीष पुजारी। अब जानकारी दीजिए इस वृक्ष। ये जो वृक्ष है ये भीम महाराज का लगाया हुआ है। अच्छा। और जो शिवलिंग है वो युधिष्ठिर महाराज की लगाई हुई है। यहाँ पांडव जो पूजा करते थे और यहाँ शंकर भगवान ने जो है उन्हें दर्शन दिए थे यहाँ पे, और कृष्ण जो भगवान थे वो उनकी सार यहाँ विराजमान थे। जो पिछक कुइया है उसमें द्रौपदी माता जो उसमें स्नान करती थी। तो ये जब कहीं पौराणिक है हस्तिनापुर में जो बचा हुआ है। यहाँ सामने जो आप विग्रह देख रहे हैं यह मूर्ति भी बहुत प्राचीन है और इसमें पांचों पांडवों की मूर्तियां बनी हुई हैं। ऐसा माना जाता है कि इस मूर्ति को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने यहाँ स्थापित कराया था और यह मूर्ति यहाँ हस्तिनापुर में हुई खुदाई में मिली थी। इस मंदिर के प्रिमाइज में चारों ओर ये गुंबद आप देख सकते हैं। जब पांडव इस मंदिर में महादेव को जलाभिषेक करने के लिए यहाँ आते थे तो उनके सैनिक इन्हीं गुंबदों पर खड़े होकर चारों ओर सुरक्षा किया करते थे। इसी मंदिर के प्रांगण में कुछ प्राचीन मूर्तियां भी रखी हैं, ये भी काफी प्राचीन हैं। इसी मंदिर के पीछे की ओर एक गुफा भी है जो परीक्षित गढ़ के लिए जाती थी। कई बार बाढ़ और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं की वजह से यह गुफा मिट्टी और पत्थरों से बंद हो गई है। सरकार और ASI की उदासीनता के कारण यह गुफा भी केवल इतिहास में ही दर्ज रह गई है। अब हम दर्शन करेंगे प्राचीन जयंती माता मंदिर के। यह पौराणिक मंदिर भी पांडव टीले पर ही स्थित है। इस मंदिर को देवी भागवत में वर्णित 51 शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। माता का। इस समय अब हम आए हैं पांडव टीले पर जो कि हस्तिनापुर में स्थित है और इसी पांडव टीले पर पांडवों का महल हुआ करता था और ये सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं सिद्धपीठ श्री जयंती माता का मंदिर है जो उसी महल में हुआ करता था और यहाँ पर पूजा किया करते थे पांडव। और बाकी जानकारी लेते हैं हम यहाँ के। यहाँ की मैं पंडित दिनेश शर्मा जी। पंडित दिनेश शर्मा जी से तो गुरु जी थोड़ा सा जानकारी दीजिए हमें इस मंदिर के बारे में। ऐतिहासिक नगरी प्राचीन जयंती माता शक्तिपीठ मंदिर पौराणिक यहाँ पे पांडु टीले पे स्थापित है। ये जहाँ आप खड़े हैं और जिस चीज की आप जानकारी लेना चाह रहे हैं ये पांडु की कुल देवी है। पांडु यहाँ पे इस महल में यहाँ रहते थे। द्रौपदी के श्राप से ये जगह
उदल बुदल हो गई थी। हस्तिनापुर चार बार उजड़ा और चार बार बसा, क्योंकि तो माँ द्रौपदी का श्राप लगा हुआ था। उसी के कारण यहाँ पे आपदाएं बहुत ज्यादा आई। दो बार गंगा पले आई, दो बार भूकंप आया, उसी की वजह से ये उदल बुदल हो गया। तो उनके मंदिर, उन इसी महल में उनका मंदिर था जो जयंती माता के नाम से जानी जाती थी, माँ भगवती का अंदर मंदिर था। तो जब यहाँ हम आए, हमने पूजा करी, तो यह साक्षात माता जी का हमें संकेत हुआ। उनकी जो है एक छोटी सी पौराणिक जो ऐतिहासिक नगरी है शक्तिपीठ, उनकी एक पिंडी निकली। तो फ्रेंड्स, आइए अब चलते हैं महाभारत कालीन श्री द्रौपदेश्वर महादेव मंदिर में। तो फ्रेंड्स, इस समय हम आ चुके हैं श्री द्रौपदेश्वर महादेव मंदिर में। तो आइए अंदर चल करके देखते हैं। और ऐसा माना जाता है कि ये मंदिर जो है लगभग 7200 वर्ष प्राचीन है। इधर आप देख सकते हैं द्रौपदी माता को काली का अवतार माना जाता था, तो यहाँ पर उनका एक विग्रह भी स्थापित है काली के रूप में, माता द्रौपदी का। अंदर यहाँ पर व्यू लग रहा है, हनुमान जी का मंदिर है, सब पर ताले लगे हुए हैं। ये भी शायद मुझे लगता है महाराज जी कहीं गए हुए हैं। इस शिलापट के माध्यम से आप इस मंदिर के इतिहास के बारे में भी जान सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए अब चलते हैं द्रौपदी घाट की ओर। तो फ्रेंड्स, इस समय हम आ चुके हैं ऐतिहासिक एवं पौराणिक द्रौपदी घाट पर। और ऐसी मान्यता है कि माता द्रौपदी यहाँ इसी स्थान पर आकर के अपना स्नान किया करती थी और यहाँ पर महादेव को जल चढ़ाया करती थी। और अभी सबसे पहले हम आपको वो घाट दिखाते हैं। वैसे तो यहाँ अब केवल बूढ़ी गंगा रह गई हैं और यहाँ से गंगा जी लगभग 7-8 किलोमीटर दूर जा चुकी हैं। और घाट के नाम पर यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब बस यही थोड़ा सा स्ट्रक्चर बचा है। और इस मंदिर, वैसे तो छोटा सा ही मंदिर है, लेकिन इस मंदिर में कान्हा जी और द्रौपदी जी दोनों की मूर्तियां, दोनों के विग्रह स्थापित हैं। और बीच में आप देख सकते हैं एक और दूसरी मूर्ति है, जिसमें द्रौपदी जी को चीर दे रहे हैं उनके भाई भगवान श्री कृष्ण। और इधर आप देख रहे हैं दुशासन जो उनका चीर हरण करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये छोटा सा मंदिर है यहाँ पर द्रौपदी घाट में। प्राचीन यहाँ पर पीपल का पेड़ भी है, काफ़ी प्राचीन, काफ़ी मान्यता है इसकी। और यहाँ पर हर साल एक मेला भी लगता है, जिसमें यहाँ की आसपास की महिलाएं इसी द्रौपदी घाट में आकर के स्नान करती हैं। इस समय तो इसमें पानी नहीं है, सूख चुका है। देख सकते हैं आप यहाँ पर एक हवन कुंड है और एक शिवलिंग बना है और कुछ यहाँ पर अन्य स्ट्रक्चर बना हुआ है। आसपास में घना जंगल है, कभी चारों तरफ यहाँ गंगा जी प्रवाहित होती थी। इस पेड़ को, थोड़ा सा वृक्ष को दिखाइए, पीपल का ये पेड़ कितना प्राचीन है, कितना बड़ा पेड़ है, आप ऊपर देख सकते हैं, वास्तव में बहुत बड़ा पेड़ है। और यहाँ पर अपनी मान्यताओं को लेकर के लोग आते हैं, यहाँ पर चुन्नी बांधते हैं और जब उनकी मान्यताएँ पूरी हो जाती हैं तो चुन्नी खोल देते हैं। यहाँ के वर्तमान विधायक दिनेश खटीक जी की ओर से मातृ वंदन योजना के तरफ से यहाँ पर शासन की तरफ से 2 करोड़ रुपया अवमुक्त हुआ है। बहुत जल्दी यहाँ पर इस मंदिर का थोड़ा सा सौंदर्यकरण किया जाएगा, लाइट्स वगैरह यहाँ लगाई जाएंगी। नेक्स्ट टाइम जब हम यहाँ आएंगे तो देखेंगे क्या क्या काम यहाँ पर हुआ है।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं हस्तिनापुर हमने लगभग पूरा एक्सप्लोर कर लिया है। और जैसे हम यहाँ द्रौपदीश्वर, अभी पीछे द्रौपदीश्वर महादेव मंदिर गए थे, द्रौपदी घाट आए हैं और अब हम जा रहे हैं करण मंदिर में। तो शासन प्रशासन की तरफ से यहाँ पर सड़कें भी मुहैया नहीं कराई गई हैं, तो यहाँ पर क्या पर्यटन होगा, क्या टूरिस्ट आएगा, क्या देखेगा, उस पर क्या यहाँ का इम्पैक्ट पड़ेगा। काफ़ी स्थिति यहाँ की ख़राब है, तो यहाँ पर शासन और प्रशासन को काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे शासन तक ये बात पहुँचे कि हमारे जो ऐतिहासिक धरोहर हैं, जो पौराणिक धरोहर हैं, उनका ठीक से देखभाल रखरखाव हो सके, संरक्षण हो सके। धन्यवाद। आइए अब चलते हैं करण मंदिर। तो फ्रेंड्स अब हम आ चुके हैं करण मंदिर में, तो आइए दर्शन करते हैं करण मंदिर के। और इस मंदिर के बारे में ये मान्यता है कि यही वह मंदिर है कि जहाँ पर करण स्नान करने के बाद रोजाना प्रतिदिन सब अमन सोने का दान किया करते थे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और इस चैनल पर आप नए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जल्दी ही मिलेंगे। जय हिंद।